हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है बकमिंस्टर कोलरेंस इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। देखो, बकमिंस्टर कोलरेंस किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है, वो कौन सा एलिमेंट है बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉस्फोरस, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर। तो बकमिंस्टर कोलरेंस जो होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है C60, ठीक है, और ये एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है कार्बन पर। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वॉकी बॉल की तरह होता है, एक फुटबॉल की संरचना की तरह होता है, जिसमें कि 20 हेक्सागन होता है एंड 12 पेंटागन होता है। 12 पेंटागन होता है, ठीक है, ये दोनों का मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक फुटबॉल की भांति दिखता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये हेक्सागन हो गया, कहीं पे पेंटागन रहता है इस तरह से। हाँ, तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि फुटबॉल के बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह दिखता है, ओके। और ये जो होता है बकमिंस्टर कोलरेंस के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसी वजह से इसका नाम है बकमिंस्टर कोलरेंस, ओके। और कहीं ना कहीं ये ग्रेफाइट और डायमंड की तरह एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, ठीक है, जिसमें कि 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो पहला दिया हुआ फॉस्फोरस गलत हो जाएगा, क्लोरीन गलत हो जाएगा, कार्बन हमारा राइट आंसर है, सल्फर गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा लगता।